नमस्कार दोस्तों, ये है हीरो की माइस्ट्रो एज 125 BS6 स्कूटर। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इसके प्राइस, फीचर्स और माइलेज के बारे में। इसमें तीन वेरिएंट आते हैं, ड्रम डिस्क और स्टेल्थ एडिशन, और इसमें 8 कलर का ऑप्शन मिल जाता है। और दोस्तों आप देख रहे हैं इसका मैट ब्लू कलर, और ये है दोस्तों इसका पर्ल वाइट कलर, और ये है दोस्तों इसका मैट ग्रे कलर, और ये है दोस्तों इसका मैट ब्राउन कलर, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये है दोस्तों इसका ब्लैक कलर। कौन सा कलर आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो इसके वाइजर पर आपको जो है मैट फिनिश मिल जाती है ब्लू कलर की, और यहाँ पर आपको जो है हीरो का 3D में लोगो दिया है। यहाँ पर आपको 125 की वेजिंग मिल जाती है। साइड में आपको कोई भी ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं, और इसमें आपको 35 वाट का बल्ब मिल जाता है इसकी हेडलाइट के अंदर, जैसा कि यहाँ से आप इसकी रोशनी को देख सकते हो। इसमें आपको LED का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। अब इसके नीचे की साइड में चलते हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको LED DRLs देखने को मिल जाती है इसके अपरेंट के ऊपर, और नीचे की साइड में आपको एयर के इवेंट मिल जाते हैं। और इसके साइड में चलें तो यहाँ पर आपको लॉन्गर टाइप के इंडिकेटर मिल जाते हैं, जिसमें नॉर्मल बल्ब दिए गए हैं, जैसा कि आप इसकी दूसरी साइड से भी देख सकते हो। और इसके ऊपर की साइड में भी आपको जो है माइस्ट्रो एज की वेजिंग देखने को मिल जाती है, स्टिकर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों चलते हैं इसके नीचे की साइड में, तो यहाँ पर आप इसके मडगार्ड को देख सकते हो, जो कि मैट फिनिश के साथ दिया गया है। इसकी डिज़ाइन काफ़ी यूनिक दी गई है, और यहाँ पर आपको IBS का लोगो मिल जाता है, और इसके साइड में रिफ्लेक्टर दिया गया है, और इसके फ्रंट में आपको 90x90x12 का टायर साइज मिल जाता है। इसमें MRF कंपनी के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, और इसके फ्रंट में आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। इसकी आगे और पीछे की दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं, और इसमें ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्वर टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं, और यहाँ पर आपको प्रोग्रामेड FI की बैजिंग देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात करें इसके की पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको की पॉइंट मिल जाता है, इसी से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, और इसके फ्यूल कैप को और इसके बूट स्पेस को ओपन कर सकते हो। अब इसके मीटर कंसोल की बात करें, तो इसमें आपको एनालॉग और डिजिटल टाइप का मीटर मिलता है। यहाँ पर आप इसकी स्पीड को देख सकते हो, यहाँ पर इकोनॉमी जोन, यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल लाइट, साइड स्टैंड, इंजन माल फंक्शन लाइट और मेन हेडलाइट इंडिकेशन लाइट, और यहाँ पर आपको जो है ट्रिप मीटर दिया गया है, जिसके अंदर किलोमीटर और फ्यूल की रीडिंग दी गई है। यहाँ से आप जो है इसकी ट्रिप को एडजस्ट कर सकते हो बटन से। अब इसके साइड में चलें, तो यहाँ पर आपको जो है लो बीम हाई बीम स्विच, और इसी में आपको जो है पासिंग का स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है इंडिकेटर का स्विच और हॉर्न का स्विच मिल जाता है। इसके दूसरी साइड में चलें, तो यहाँ पर आपको जो है I3S का स्विच मिल जाता है, और इसके नीचे की साइड में सेल्फ का स्विच दिया गया है। अब इसके साइड मिरर की बात करें, तो इसके जो साइड मिरर हैं वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन के दिए गए हैं, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसके साइड प्रोफाइल की बात करें, तो इसका जो लेग स्पेस एरिया है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हो। बहुत सारा सामान आप यहाँ से कैरी करके ले जा सकते हो, इस पर रख के ले जा सकते हो, और यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है, और इसकी सीट के नीचे भी आपको जो है एक हुक मिल जाता है सामान लटकाने के लिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके नीचे की साइड में आपको जो है 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट दिया गया है पैसेंजर के लिए, पिलियन के लिए। अब इसके पीछे की साइड में चलें, तो यहाँ पर आपको जो है मैट फिनिश देखने को मिल जाती है बॉडी कलर में ब्लू कलर के साथ। यहाँ पर आपको माइस्ट्रो एज 125 की 3D में लोगो मिल जाता है। और इसके पीछे की साइड में चलें, तो यहाँ पर आपको जो है एक ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको जो है हीरो का स्टिकर दिया गया है वाइट कलर में, और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की डिजाइन सी देखने को मिल जाती है, और इस यहाँ से आप इसकी टेल लैंप को देख सकते हो, काफ़ी यूनिक दी गई है। और साइड में आपको इंडिकेटर भी मिल जाते हैं नॉर्मल बल्ब के साथ, और इसके नीचे की साइड में इसके मडगार्ड के ऊपर आपको एक रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं दोस्तों इसके दूसरी साइड में, तो यहाँ भी आपको जो है माइस्ट्रो एज 125 का 3D में लोगो देखने को मिल जाता है, और जो कि काफ़ी यूनिक लग रहा है। अब इसके सीट की बात करें, तो इसकी जो सीट है वो डुअल टोन कलर में दी गई है, और इसकी जो कुशनिंग है वो काफ़ी सॉफ्ट है। अब दोस्तों हम बात करें इसके बूट स्पेस की, तो हम इसके बूट स्पेस को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है। इसमें आपको जो है LED की लाइट भी दी गई है, और इसमें आपको जो है पीछे की साइड में जो है एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहां से देख सकते हो। पेट्रोल भरवाने का जो कैप है वो पीछे की तरफ दे रखा है, जैसा कि यहां से आप देख सकते हो। अब मैं इसको जो है बंद कर देता हूं। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 5.5 लीटर, और इसका कर्व वेट है 112 kg। और दोस्तों इसके माइलेज की बात करें, तो जैसा कि ये 125 cc का स्कूटर है, तो इसमें आपको 55 km/L का आसानी से माइलेज मिल जाएगा, और इसके आगे आपको जो है I3S का लोगो दिया गया है, जैसा कि इस स्कूटर में I3S सिस्टम दिया गया है। अब इसके पीछे वाले एग्जॉस्ट की बात करें, तो यहाँ पर आपको जो है यूनिक डिजाइन का एग्जॉस्ट मिल जाता है, जिसके ऊपर
जो प्लेट दी गई हैं वो मेटल की नहीं है, प्लास्टिक की दी गई हैं, जो कि एक कोस्ट कटिंग की गई है मेरे हिसाब से इस स्कूटर में। और यहाँ पर आप इसके इंजन की डिज़ाइन को देख सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों इसके इंजन के दूसरी साइड में। तो यहाँ पर आपको जो है पीछे वाला जो टायर है वो 90/110 का दिया गया है। इसमें आपको MRF कंपनी के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स हैं। और यहाँ पर आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक टायर हगर भी मिल जाता है। इसके इंजन और पावर की बात करें तो इसमें दिया गया है 125 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SI इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर है 9.12 PS की 7000 RPM पर। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.4 Nm का 5500 RPM पर। इसके रियर वाले सस्पेंशन की बात करें तो इसके रियर में दिए गए हैं यूनिट स्विंग विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर टाइप सस्पेंशन। और यहां पर आपको i3S के साथ साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जो कि एक एडिशनल फीचर्स है इस स्कूटर में हीरो कंपनी की तरफ से। अब दोस्तों मैं आपको इसका एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ। तो सबसे पहले स्कूटर को स्टार्ट कर लेते हैं सेल्फ दबा के। तो जैसा कि स्कूटर जो है स्टार्ट हो चुका है, अब आप इसके पीछे की साइड से यहाँ पर इसके एग्जॉस्ट पर इसका एग्जॉस्ट का साउंड नोट कर सकते हो। आपको इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की। तो इसके ड्रम वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 91,000 रुपये, 91,000 रुपीज़। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताया है सान्योश्योर हीरो मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम का। शोरूम की सारी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको हीरो माइस्ट्रो 125H का दोनों वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस आपको आपकी सिटी का बता दूंगा दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों अगर ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।